वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमे विक्सु। और ये हैं मेरी प्रिंसेस जो सुबह सुबह उठ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग कर दो बेटा, गुड मॉर्निंग कर दो। तो हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर दो। छोना बोलो सब्सक्राइब माय चैनल कर दो। छोना बोलो तो सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये उठ गई है। और आज जो है 2 अप्रैल है, यानी कि फंक्शन जो है वो 3 अप्रैल को है। और अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारी तैयारियां बची हुई है। नेल पेंट अभी तक नहीं लगाया मैंने, आप लगाऊंगी अभी बस। तो मैं सोच रही हूँ पहले घर के काम कंप्लीट कर लूँ और इसको सुला लूँ पहले, उसके बाद फिर घर का काम होगा। तो गाइस, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा सपोर्ट दें और प्रिंसेस को भी ढेर सारे ब्लेसिंग दें। तो गाइस, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। आज है 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को है नामकरण का फंक्शन। और अभी तैयारी स्टार्ट कर दी, मुझे जुकाम भी हो गया है, मतलब इसीलिए मेरा फेस अजीब सा लग रहा होगा। और यहाँ पर प्रिंसेस खेल रही है और जुकाम के कारण मैं घर का साफ़ सफाई नहीं कर पा रही थी, तो अब मम्मी कर रही है क्योंकि घर साफ़ सफाई करना है, सारा सामान अरेंज करना है क्योंकि नामकरण में बहुत सारे लोग आएंगे, तो फिर सारी चीज़ें व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे साफ़ सफाई हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि मम्मी थोड़ा सा साफ़ सफाई में लग गई थी और फिर उसके बाद मैंने साफ़ सफाई किया क्योंकि नामकरण को लेकर के बहुत ज़्यादा ही तैयारी करनी थी। और फिर मैंने क्या किया, पूरा किचन वगैरह साफ़ करने लगी, एक जगह सामान इकट्ठा करने लगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। तो इसीलिए आज दिन भर जो है वो सारा काम जो है ऐसे ही लगा रहा, पूरे दिन जो है वो मैं काम करती रही। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि 12 ऑलरेडी बज चुका था, 12:01 हो चुका था। मैं सोच रही थी जितना जल्दी हो सके सारा काम कंप्लीट करके और फिर मैं खाना पीना खाऊं, लेकिन नहीं हो पाया। मैं बिल्कुल काम करने में इतना मग्न हो गई थी कि खाना भी लेट से खाई मैं। Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. ये जा करके काम से फुर्सत मिली है, यानी कि 2 बज गए हैं। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखो 2:20 हो चुका है। सुबह से मतलब जब से उठी हूँ ना, तब से मैं मम्मी लगे हुए थे पूरे घर में साफ़ सफाई और सारी चीज़ें करने में। तो बीच बीच में प्रिंसेस को भी देखना पड़ रहा था, जिसके कारण बहुत लेट हो गया। अभी तक हम लोग खाना भी नहीं खा पाए हैं, बस बीच में थोड़ा सा नाश्ता किया मैंने। सोचा फटाफट पहले नाश्ता बना करके दे दूँ, उसके बाद ही खाने का कुछ करूँगी। तो बस अब खाने की तैयारी में जुटी हुई हूँ कि खाना पीना खा करके और फिर थोड़ा रेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आज भी मार्केट जाना है हम लोगों को। अब देखते हैं कितनी देर में मार्केट निकलती, क्योंकि अभी तक मैं पार्लर भी नहीं गई हूँ और कल फंक्शन है और पार्लर भी अभी तक नहीं गई। देखती हूँ कैसे कैसे क्या करूँगी, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस अभी जा करके थोड़ा सा पहले खाना ना खा करके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फिर उसके बाद रेस्ट वगैरह करने के बाद फिर मैं पार्लर जाने लगी, क्योंकि पार्लर का काम जो है अभी बचा हुआ था। और फिर ये मैं पार्लर पहुँच गई और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करवाई। मात्र 600 मीटर है मेरा घर मेट्रो स्टेशन से, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, जो कर रहे हैं फंक्शन की तैयारी थोड़ी बहुत, अब बेटी है, पहली चीजें हैं, तो मेरे से थोड़ा अच्छे से ही किया जाए। अब देखिए जैसी श्रद्धा होती है। बताओ क्या क्या लेके आए आप? बाप रे, टमाटर ही टमाटर, सारा सामान आ गया, राशन का, सब्जी, टमाटर, आटा, गोभी, मतलब लगभग सारा सामान आ चुका है सुबह के लिए। सुबह हलवाई आएंगे और खाना बनाना शुरू करेंगे। सुबह पनीर, सुबह नाश्ता करोगे क्या आप?
टाइम मिल जाएगा तो कर लेंगे। मतलब नाश्ता बनाना है मुझे, बढ़िया है, नाश्ता बनाना है मुझे। इच्छा हो तो बना देना, नहीं इच्छा हो तो क्या कर सकता है इंसान। तो आप पूजा में ऐसे बैठेंगे या नाश्ता करके बैठेंगे? यार पूजा में गजब। ऐसे ही बैठ जाऊंगा, मुझे दिमाग चल जाता है, भगवान का दिया और कुछ भी खा लो। तो ये देखो हेलो बर्थडे गिफ्ट ये है मेरा। यार, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बताओ यार मम्मी, इनको मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। पहले याद है, तभी तो कल केक वोक कर रहा था मैं। कितना सारा काम इंसान कर ही रहा बोल दिए। है, इतना सारा इंसान काम कर रहा है, ये नहीं दिख रहा इतना सारा काम कर रहा है। आपसे ज्यादा मैं करती हूँ। हाँ देखे हमें। ये मैं मुझे मिला बर्थडे गिफ्ट, देख लो। और ये है आटा, यही सब मिला है मुझे, टमाटर, ये वो तो गोभी। दिखाओ जो तुमने बक्से के अंदर रखा है, वो भी तो दिखाओ। बर्थडे गिफ्ट मतलब दीवार पर एक ये छेद दिख रहा है तुम्हें, कलम का काला निशान, इतना बड़ा व्हाइट भी दिख रहा है तुम्हें। ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट, यही दिए हैं इन्होंने। आपने इसको देते वक्त कहा हैप्पी बर्थडे। हाँ तो कुछ मीठा दे के हैप्पी बर्थडे करना चाहिए ना तुम्हें, तो कपड़ा दे के, तुम्हें कपड़ा दे के कौन, क्या मैं वो वाला कपड़ा महंगे कहाँ दिया वाला। अपना? बस सारी तैयारी हो चुकी है और ये मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है। फिर दिखा रही है, दो मशरूम मुझे बर्थडे की, देख लो क्या क्या मिल रहा है मुझे बर्थडे गिफ्ट। मशरूम मशरूम, प्यार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अब मेरे लिए कोई प्यार ही नहीं रहा, सब कौन सा गया। प्यार, कौन सा प्यार, ये बात भी सही है, कौन सा प्यार। और प्यार मैं भी आ गई तो आइए देखो क्या बहुत कर सी होती है ना, आई अगले प्यार वाली, आई ना बेटे, मम्मा आई को अगले, विश बोलो करो बेटा, कल मम्मा का बर्थडे हैप्पी है। बर्थडे बोलो, कल ले बोलेगी तीना फील के ना तो केक वाला भी आज। दुकान बंद हो गया होगा इस समय। देखो इतनी सारी चूड़ियां, लाइट तो आनी, तो ये इतनी सारी चूड़ियां मेरे पास, चूड़ियों का भंडार ले आई हूँ मैं। ये मैंने अपने लिए बनाया है, ये मम्मी के लिए, ये मैंने अपने लिए, और ये लेके आई हूँ। इसके साथ ये मैच करूँ क्या बीच में, कैसा लगेगा यार? सही लगेगा, देखना अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है सब कुछ? सही है। ये अभी लेकर के आई मैं मार्केट से, जल्दी जल्दी गई मार्केट क्योंकि प्रिंसेस थोड़ा सा रो रही थी, तो मैंने सोचा कि उसी में ये करके उसको बहला फुसला के मम्मी के पास छोड़ करके और मैं गई मार्केट। सही लग रहा है ना आपको? ये कैसा लग रहा है आपको? सही लग रही है। कहाँ से, पुराना की? अच्छा नहीं नया है, कहाँ से लिया? वहीं से मार्केट से। ऐसा स्टाइल में मैंने कभी नहीं पहना अभी तक, सही सही लग रहा है। लग रहा है ना? ठीक है, आपको पसंद आ गया। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, अभी तक रात के बज चुके हैं 11:30 और हमारी अभी भी तैयारी हो रही है। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है इसे। चले खाना खाने, कि 11:30 बज रहे हैं और अभी जा कर के मेरी थोड़ी सी तैयारी कंप्लीट हुई है, अभी और भी है। मैं अभी लास्ट टाइम तक अभी मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मुझे सुबह मिलेगा। मतलब मैं हर समय का यही है मेरा कि टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। अभी तो खैर प्रिंसेस है और पहले मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी, हस्बैंड घर पे नहीं रहते थे जिसके कारण, और आज भी मैं अकेले ही जा कर के सारी चीज़ें की हूँ कंप्लीट, क्योंकि उनको पूजा का और सारी चीज़ें करनी थी,
सो मैं खुद गई मार्केट फटाफट और जल्दी जा करके वो वीडियो मैं कैप्चर की थी, लेकिन वही अभी मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। कैप्चर किया हुआ कोई चीज़ जो है वो मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मिलता है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं देखती हूँ या तो मैं फ़ोन चेंज कर लूँगी या फिर कुछ भी। खैर जो भी हो, मैं पार्लर गई थी और पार्लर से सब कुछ करवा करके आ गई, और अभी नेल पेंट वगैरह भी अभी कंप्लीट नहीं किया है मैंने, आधी से ज़्यादा तैयारी जो है अभी बची हुई है। मतलब एक फंक्शन के लिए बहुत सारी तैयारी करनी होती है। और हाँ, ससुराल से कौन कौन आए हैं, आया है या आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। सो वीडियो के लास्ट एंड तक ज़रूर बने रहना। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और फिर उसके बाद अभी इनके कपड़े भी निकालने हैं मुझे। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया क्या मेरा बर्थडे? आ गया क्या मेरा बर्थडे? नहीं आ गया तुम्हारा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू दोनों भी दो। ये कैसा फ्रेम बनाया आपने? अरे छी तुम ऐसे दिखोगे ना, मैं ऐसे दिखूंगा। हैप्पी बर्थडे, अब ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, थैंक आओ यू गिफ्ट दिखाओ, तुम्हारा मेरा गिफ्ट गिफ्ट कहाँ दिखाओ। ऐसा गिफ्ट तुमने कभी किसी ने कभी किसी को नहीं दिया होगा। दिस इज फॉर यू, सरप्राइज। ये देखो गिफ्ट तुम्हारा, कैसा लगा मेरा गिफ्ट इतना देखा। टमाटर का मैं करूंगी क्या? सब्जी तो बनाऊंगी। टमाटर खाने से गाल लाल होते हैं, चलो इंसान मेरे लाल ऑलरेडी होता है। लाल हैं। नहीं है ना तुम्हारे लाल, रूखी अच्छा सूखे से हो गए। मैं सोचा इस बार टमाटर ले चलता हूँ, फिर तुम्हारे गाल लाल हो जाएंगे एकदम, तुम लाल हो जाओ। देखो कितने टमाटर है, देखो ये सब तुम्हारे लिए है, जितनी चीज लाई, मशरूम मशरूम सब, ये सब खा के अच्छे से हेल्दी हो जाओ तुम, मैं बहुत ठीक मोटी है। हो चुकी हूँ ऑलरेडी, अब अरे मुझे स्लिम नहीं होना यार, है। ये सब खाओ सब, और हेल्दी बन जाओ, ठीक है। ये हैप्पी सब मेरी बिटिया रानी के लिए है। बर्थडे। थैंक अरे यू वीडियो नहीं बन रहा क्या? थैंक यू।